दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम विश्व कप चैंपियन बने तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, श्रीलंका की जीत से अंक तालिका में हुआ बड़ा बदलाव। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम का मुकाबला रद्द होने के साथ श्रीलंका की नीदरलैंड के खिलाफ जबरदस्त जीत के बाद अंक तालिका में बहुत बड़ा उलटफेर हो गया है। आखिरकार कौन सी टीम सुपर 12 के दौर में पहुंचेगी और कौन सी टीम बिल्कुल कमजोर दिखाई दे रही है, ये तो हम आपको बताएंगे ही। साथ ही साथ भारत और पाकिस्तान के क्या अंक तालिका में है हालात, ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारत और पाकिस्तान में से कौन सी टीम अपना पहला मुकाबला जीत पाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, T20 वर्ल्ड कप का पहला दौर लगभग समाप्त होने को आ गया है, जहां ग्रुप ए के मुकाबलों का अंतिम दिन बड़ा ही रोमांचक रहा, जिसमें श्रीलंका की टीम ने जीत के साथ बहुत ही बड़ा उलटफेर कर दिया, तो दूसरी तरफ नामीबिया की टीम का दमदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। दोस्तों, आज श्रीलंका और नीदरलैंड के बीच महामुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में श्रीलंका की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 162 रन बना दिए थे, लेकिन इस लक्ष्य का पीछा करते हुए विरोधी टीम बड़े ही रोमांचक तरीके से मुकाबले में 146 रनों पर 9 विकेट के साथ 16 रनों से मुकाबले को हार गई, जिसके बाद श्रीलंका ने जीत दर्ज करते हुए सुपर 12 के दौर में अपनी जगह बनाई है। दोस्तों, सबसे पहले ग्रुप बी की बात की जाए तो ग्रुप बी में चार टीमों के दो मुकाबले खेलने के बाद एक जीत के बाद दो दो अंक है। दरअसल ग्रुप बी में चौथे पायदान पर जीत के बावजूद वेस्टइंडीज की टीम 1.6 के रन रेट के साथ मौजूद है, तो वहीं तीसरे पायदान पर आयरलैंड की टीम 6 विकेट से जीत दर्ज करने के साथ -0.4 के नेट रन रेट के साथ बेहतर स्थिति में है। इतना ही नहीं, दूसरे पायदान पर स्कॉटलैंड की टीम 6 विकेट से हार के बावजूद +0.7 के रन रेट पर बनी हुई है। इसके अलावा जिम्बाब्वे ने हार के बाद भी पहले पायदान पर जगह दो अंकों के साथ पॉजिटिव में 1.2 के रन रेट के साथ बना रखी है। दोस्तों, ग्रुप ए की बात की जाए तो ग्रुप ए में सबसे नीचे यूएई की टीम है, जिन्होंने एक भी मुकाबला नहीं जीता है, ऐसे में वो टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो गई हैं। इसके अलावा तीसरे पायदान पर नामीबिया की टीम है, जिनका अंतिम मुकाबला यूएई के खिलाफ बाकी है, और अगर बड़े अंतर से नामीबिया जीत जाती है तो नामीबिया सुपर 12 में जाएगी, क्योंकि उनका नेट रन रेट पॉजिटिव में 1.2 है। इसके अलावा दूसरे पायदान पर फिलहाल नीदरलैंड की टीम है, जिन्होंने तीन में से दो मुकाबले जीतकर चार अंकों के साथ 0.2 के नेट रन रेट के साथ अपनी जान नेट रन रेट में फंसा ली है। तो वहीं पहले पायदान पर श्रीलंका की टीम है, जिन्होंने बड़े ही आसानी से मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए 16 रनों से मुकाबला जीतकर अगले स्टेज में जगह बना ली है। दोस्तों, श्रीलंका के चार अंक हैं और उनका नेट रन रेट भी बाकी टीमों से शानदार है, जहां उनका नेट रन रेट पॉजिटिव में 0.66 है, ऐसे में अब उनका आगे जाना कंफर्म हो चुका है। तो दूसरी तरफ भारत का अभ्यास मुकाबला रद्द हुआ था और इस अभ्यास मुकाबले से भारत के प्रदर्शन पर कोई असर नहीं पड़ा है, ऐसे में अब भारत और पाकिस्तान के अभ्यास मुकाबलों के कारण अंक तालिका पर अभी तक कोई असर नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, कौन सी दो टीम सुपर 12 के दौर में एंट्री करेंगी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।